सो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। वही बात आ गई। अब हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन, यानी कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है पोजीशन वेक्टर की टर्म में। अब वो क्या चीज है? अब जैसे इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दी थी, और मैंने अब तक वेक्टर्स पढ़ाए नहीं है ना, मैंने वेक्टर्स बताए हैं। तो आप अभी इतना ही याद रखें, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को डिनोट करता है और पोजिशन वेक्टर पोजिशन दिखाता है। तो दोस्तों अभी हम इतना ही याद देखेंगे कि अभी हमारे इन वेक्टर्स का काम क्या है। वेक्टर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के, आगे के चैप्टर्स में। तो आज हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा यही आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसे जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको यही लगाना भी पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वही बेसिक फॉर्मूला, हमारा कूलम्स लॉ ही है। कूलम्स लॉ इज द बेसिक फॉर्मूला, उसी वही बेसिक फॉर्मूले पे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फोर्स तो कूलम्स लॉ ही लगेगी, लेकिन पोजीशन वेक्टर के टर्म में फॉर्मूले में क्या चेंज होता है ये देखते हैं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों उसके लिए हम पहले एक चीज ड्रॉ करते हैं, हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिकॉज वो मैथ्स में जनरली यही चीज भी पढ़ते हैं। अब ये मानो, ठीक है दोस्तों, या देखिए आप लोग सिर्फ इतना मानिए कि अभी यहाँ पे एक पॉइंट भी, फ्रेंड्स आप भी देखें, जैसा आप देख सकते हैं कि वन, तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या बनाया है। तो ये हमारा R1, ये R2, ये पूरा R, ठीक, F 1 2 F 2 1, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि अगर आपको याद होगा तो ये मैंने क्या बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर यूनिट, सॉरी पोजीशन नहीं, सॉरी ये मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये है, पोजीशन वेक्टर ये है, ये है, देखो डायरेक्शन बता रहा है ना, पोजीशन बता रहा है ना, कि इतने के बाद ये है, इतने के बाद ये खड़ा है, इतने के बाद ये खड़ा है। तो आर वन आर टू आ जाए पोजिशन वैक्टर, नॉट यूनिट वैक्टर। तो दोस्तों आप हम इतने पे, जैसे हमने इतना, हम इतने का ही काम, ठीक है। तो बात करते हैं, बात हमने कुछ ऐसा किया है कि अब जैसे हमको एक चीज पता है, ठीक है दोस्तों, फोर्स, अब हमने जैसे पिछले हमने टॉपिक में क्या पढ़ा था, जो फोर्स लगी थी वो ऐसी थी, हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे पास वो पिछले कंसेप्ट का फॉर्मूला आ गया ना, पिछले कंसेप्ट का फॉर्मूला आ गया भाई अब हमारे पास। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ भी हम आगे आपको वेक्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे,
जैसा हम बता रहे हैं बस ये आप अभी बेसिक सा जो आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, अभी सिर्फ उतना माइंड में रखो, हम इसको भी बताएंगे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या है, उसका हम अलग से डेरिवेशन करते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है उसका हम अलग से डेरिवेशन करते हैं फिर परपेंडिकुलर नीचे, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो अभी आप अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ना, वो ये होता है, आप जनरल सा अभी बेसिक फॉर्मूला याद रखो, ठीक, इसके बारे ये हो गया। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे इसका, ठीक। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए यहाँ पे, आर, ओके, आर एंड आर टू, ठीक है। तो हमारे पास इसका वैल्यू कैसे आएगा, अब देखते हैं कैसे आएगा। अब ओए का वैल्यू क्या है, आर वन, ए बी का वैल्यू क्या है, आर टू वन, आर प्लस ओ बी का वैल्यू क्या है, आर टू, ठीक है। तो आर वन माइनस आर टू बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक। अब हम इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक। अब फॉर्मूला कुछ ऐसा बना मेरे पास, Q1, Q2, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो मॉड। दोस्तों इसमें दोस्तों एक चीज याद रखना, वेक्टर में हम इस चीज को यूज करते हैं, इसका मतलब होता है मॉड। आपने ब्रैकेट देखेंगे वो आप ऐसे लगाते हो ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसको हम मॉड बोलते हैं, मॉड। ये मैथमेटिक्स में वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, बट मैथ्स का हम अलग, मैथ्स का तो वो अलग तरीके से पढ़ते हैं, वेक्टर चीज ही है, वेक्टर एक ही चीज होती है, बट मैथ वाले उनको अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम सिर्फ उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं या किसी डेरिवेशन में अप्लाई करते हैं, हम उसको हर जगह अप्लाई नहीं करते, ठीक है दोस्तों। ये हम जैसे इसको मॉड बना, मॉड लिख रहे थे, मॉड आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब, ठीक, और ये हमारे पास आर वन माइनस आर टू, ठीक, बन गया। हा, यही तो फॉर्मूला बना, हम यही तो बनाना चाह रहे थे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम बनाना चाह रहे थे इसके लिए। यानी के पोजीशन वेक्टर की टर्म में, पोजीशन वेक्टर की टर्म की बात करूं तो हमारे पास यही फॉर्मूला निकल के आएगा, हम इसी को डिराइव कर रहे थे, हम इसी फॉर्मूले को डिराइव कर रहे थे। पोजीशन वेक्टर की टर्म में चार्जेस पे फोर्स क्या लगेगी, बेसिक तो वही लगेगी ना, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बेसिक लगेगा, बट पोजीशन वेक्टर लगाने से फोर्स फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, या यूनिट वेक्टर लगाने से पोजीशन में क्या चेंज होता है, उसका असर थोड़ा सा पड़ जाता है, थोड़ा सा पड़ता है, कुछ ज्यादा खास भी नहीं पड़ता। क्योंकि आप देख सकते हैं यूनिट वाला हमने फॉर्मूला भी यूज किया, हमने फिर पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला भी डिराइव किया। तो दोस्तों ये था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक। यही फॉर्मूला, यही बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप जैसे कि ये आर वन टू, ये एफ वन टू के लिए, अब आप इसका अपोजिट करोगे, जैसे कि अगर आप करना चाहो इसके लिए, जगह कहाँ तो मैं वैसे बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर ये एफ वन टू के लिए, तो एफ टू वन के लिए क्या होगा भाई फॉर्मूला, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, अब ये रिवर्स हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब, आर टू माइनस आर वन, ठीक, ये बन जाएगा बेसिक सा फॉर्मूला उसके लिए। दोस्तों ये था हमारा कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट किया, और पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हमने एक नई फोर्स निकाली जो दो चार्जेस के बीच में है, जिसको हम बोलते हैं मतलब के फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली। सो गाइस आज के लिए हम इस पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों।